अखिल बाकरे, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। डेफिनेटली थोड़ा लेट आप लोगों को निफ्टी का अपडेट दूंगी आज, बिकॉज कल वापस नासिक में स्टॉक मार्केट की क्लासेस एंड न्यूमरोलॉजी ओवरऑल। सो कल आप लोगों से बात करने का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए सोचा चलो आज ही आप लोगों से बात कर लो, निफ्टी का लेवल आप लोगों को दे दूँ। सो गाइज, हम लोग लास्ट वीक की अगर बात करेंगे तो लास्ट वीक में हमने देखा था कि सनसेक्स ने क्लोजिंग दी थी अबाउट 39,000 के ऊपर, निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी 11,752। उनके पास कैश अवेलेबल है। एबिटा मार्जिन के बारे में मैं आज आप लोगों से बात करूंगी। जैसे रिसेंटली इवेंट्स हो रहे हैं, हर क्वार्टर बाय क्वार्टर हम लोग देखते रहते हैं। अब ये फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट आ रहे हैं, आने वाले हफ्ते में 20 तारीख को HDFC बैंक का रिजल्ट आएगा, फिर 22 को गोवा कार्बन और AU स्मॉल का रिजल्ट आएगा, 23 को टाटा ग्लोबल का रिजल्ट आएगा, 24th को हेक्साबेयर और इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी, उनका रिजल्ट आएगा, 25th को मारुति और एक्सिस बैंक का रिजल्ट है। देन हम लोग बात करेंगे 26 तारीख को HDFC, हीरो मोटो कॉप और यस बैंक, ये सारे रिजल्ट आने हैं। और इसमें अगर रिजल्ट पीस आपको अगर स्टॉक खरीदने हैं तो उसमें एबिटा मार्जिन हम लोग बहुत सुनते हैं कि व्हाट इज द एबिटा मार्जिन, ये होता क्या है, मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि शीतल ये होता क्या है। जब हम लोग टेक्निकल और फंडामेंटल की क्लास लेते हैं तो इससे डिटेल्स में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, बट आज मैं अगर आपको बताऊँ, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस एंड ये सारे चीजों का कैलकुलेशंस करके एबिटा मार्जिन बनता है, जो वास्तविक जिसे हम लोग बोलते हैं कि बिफोर ये टैक्सेस ये वो सब जाने के बाद कुल इंटरेस्ट कंपनी का जो रहेगा उसके बाद की जो फिगर आती है दैट इज कॉल्ड एबिटा मार्जिन। और उसके बेसिस पे आप दूसरी कंपनियों के साथ इन्हें आप मतलब कंपैरिजन कर सकते कि ये कंपनी का समझ लीजिए रिलायंस जियो का इतना है, रिलायंस का इतना है, टाटा मोटर्स का इतना है, हीरो मोटोकॉर्प का, मारुति का, तो इन सब का कैलकुलेशंस करके हम लोग एक वैल्यूएशंस पे आ जाते हैं, एक नतीजे पे आ सकते हैं कि वॉल्यूम लेन देन कितना कैसे रहेगा और इनका फ्यूचर कैसे रहेगा। तो एबिटा मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है जब आप कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स, बैलेंस शीट ये सारी चीजें आप देखते हो, तो वो देखना बहुत जरूरी होता है। मतलब वास्तविक हम जान सकते हैं कि कंपनी के पास कितने फंड्स एक्चुअल अवेलेबल है और उसका इस्तेमाल कैसे होगा, उसका बेनिफिट शेयर धारकों के लिए कैसे रहेगा, दैट इज कॉल्ड एबिटा मार्जिन हम लोग उसे बोल सकते हैं। अब बात करेंगे रिलेटेड टू मार्केट, मार्केट के बारे में तो मैंने बता दिया कि रिजल्ट्स आने वाले, अब आप डेफिनेटली रिजल्ट्स देखिए और मुझे एबिटा मार्जिन अपडेट करते रहिए, एवरी वीक मैं आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ शेयर करते रहती हूँ। तो इस बार मैंने आपको एबिटा के बारे में नॉलेज दे दिया। एक्सिस बैंक हो सकता है मैक्स फाइनेंशियल में अपना स्टेक खरीदने की कोशिश कर रहा है, सो मैक्स फाइनेंस पे आप ध्यान दे सकते हो। जेट एयरवेज की बात करो तो इतना बड़ा आर्टिकल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, अभी फिलहाल किसी ने उन्हें फंडिंग करने के लिए डेफिनेटली मना कर दिया, बट आने वाले 2 महीने में आप वहां पे मैजिक देखोगे, कोई ना कोई कंपनी डेफिनेटली, या हो सकता है टाटा, हो सकता है अडानी ग्रुप, हो सकता है रिलायंस ग्रुप, हो सकता है कोई बड़ा इंडियन बड़ी कंपनी उन्हें टेक ओवर कर सकती है और जेट एयरवेज डेफिनेटली वापस अपने उड़ान भरेगी। डेफिनेटली अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि उड़ान सारे धरती पे है ये वो, कुछ नहीं होगा, इवन नरेश गोयल जी वापस जेट एयरवेज को ज्वाइन करेंगे, ये भी आप लिख लीजिए मेरे से कि नरेश गोयल जी वापस जेट एयरवेज में ज्वाइन करेंगे और जेट एयरवेज वापस अपनी उड़ान जबरदस्त भरेगा। डेफिनेटली अभी थोड़ा स्टॉक और नीचे सस्टेन कर सकता है, थोड़ा वेट करिए, ये आपका गुड इन्वेस्टमेंट रहेगा। आपको पता है मैंने टाटा मोटर्स आपको 146-130 के बीच में खरीदवाया है, टाटा स्टील मैंने 440 पे आपको खरीदा है, हीरो मोटोकॉर्प मैंने 2500 पे आप लोगों को खरीदवाया है। सो गाइज, नीचे में अच्छी कंपनीज डेफिनेटली आपको खरीदनी है और ऊपर जाने के बाद तो वो तो आपकी प्रॉपर्टी है, आपको मन करे तो आप बेचो या फिर होल्ड करके रखो। सो गाइज, बात करते हैं निफ्टी कैसे रहेगी। आपने देखा होगा चीन का GDP भी अच्छा आया है, ट्रम्प जी के थोड़े से
जो बोलते हैं ना कि जो वार प्रति वार थे वो थोड़े सॉफ्ट हो गए, तो वो भी एक बेनिफिट हमारे मार्केट को हो रहा है। आने वाले हफ्ते में निफ्टी के लेवल, यस डेफिनेटली निफ्टी की लेवल आपने देखा होगा लास्ट वीक हेग लिमिटेड मैंने आपको दिया था, निफ्टी का लेवल दिया था, डेफिनेटली ऑल लेवल्स आर गोइंग प्रॉपरली। आप डेफिनेटली मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोल सकते हो क्योंकि हर लेवल मेरा हर बार प्रॉपरली ही जाता है। इस बार की अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी मुझे लग रहा है 11,827 मेरा फर्स्ट टारगेट, मेरा सेकेंड टारगेट रहेगा 11,900, ये सेकेंड टारगेट रहेगा। और मैं कितने दिनों से आप लोगों के साथ गाइस शेयर ही कर रही हूँ कि निफ्टी 12,000 जाने वाला है, और देख सकते हो आप पहुंच गया। मैंने मार्च तक आपको लोगों को बोला था कि 11,500 जाएगा, और मार्च के बाद मैंने आपको लोगों को बोल दिया है कि नेक्स्ट टारगेट मेरा 12,000 का रहेगा, और वो उसके करीब हम लोग डेफिनेटली पहुंच रहे हैं। डेफिनेटली डाउन ट्रेंड भी बनता ही है मार्केट में, थोड़ा अप्स एंड डाउन्स क्योंकि अभी इलेक्शन का सेकेंड राउंड खत्म हो गया है। इलेक्शंस तक अप्स एंड डाउन्स तो हम लोग देखेंगे ही, कौन सी पार्टी जीतने वाली है, कौन सी पार्टी जीत सकती है, कौन से पार्टी को कितनी सीट्स मिलेंगी, ये भी मैं आप लोगों के साथ अपडेट्स तो देते रहती हूँ। आए दिन आप लोग मेरे आर्टिकल्स यूट्यूब चैनल्स पे देख ही रहे हो कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। देन डाउन ट्रेंड रहेगा 11,690 नीचे का लेवल निफ्टी का, ऊपर का मैंने दिया 11,827 11,900 नीचे का लेवल रहेगा मेरा 11,690 11,590 ये मेरे नीचे के दो लेवल्स रहेंगे। इस बीच में डेफिनेटली निफ्टी मूव करते हुए हमें देखेंगे। बात करते हैं स्टॉक्स, आई थिंक आपको देने की जरूरत नहीं है, मैक्स फाइनेंस पे ध्यान देने के लिए मैंने आप लोगों को बोल ही दिया है। जेट एयरवेज नीचे मिलता है तो डेफिनेटली गाइस थोड़ा कोशिश करिए, थोड़ा थोड़ा करके करिए, यहाँ पे आप एवरेजिंग करके चलिए। पहले हम लोग बोलते थे कि आप 40-30-20-10 का रेशियो करिए, यहाँ पे मैं बोलूंगी 10-20-30-40 ऐसे रेशियो करिए। कभी कभी हमें हमारी स्ट्रैटेजी भी चेंज करनी पड़ती है, नॉट नेसेसरी कि एक ही स्ट्रैटेजी पकड़ के चलिए, मार्केट के हिसाब से हमारी स्ट्रैटेजी अगर हम लोग मूव करेंगे तो डेफिनेटली वो बेनिफिशियल रहेंगे। उसके बाद में इन्फोसिस मुझे अच्छा लग रहा है, इन्फोसिस कर बाइंग, आप इन्फोसिस को बाइंग करके चल सकते हैं। ये वाले स्टॉक जो होते हैं, एक देखा आपने मंडे ही हिट करके गया था, इन्फोसिस में फुल वीक 15 डेज के हिसाब से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। टिल देन गाइस, यस न्यूमरोलॉजिकली रेमेडीज बाकी रह गई है, न्यूमरोलॉजिकली अगर रेमेडीज में आप लोगों के साथ शेयर करूं तो डेफिनेटली मंडे जब आप ट्रेडिंग के लिए बैठोगे तो व्हाइट कलर के क्लॉथ पहन के बैठिए, और आने वाला पूरा हफ्ता अगर पॉसिबल रहा तो व्हाइट ब्लू एंड ग्रीन लाइट शेड पहन के बैठोगे तो डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल।